साउथ एशियन 360 डिग्री पे स्वागत है। प्रोफेसर साहब, पिछले काफ़ी समय तो जिहड़ा वाद विवाद ये पैदा होया, मैं चाहवागा कि बड़ी ब्रीफ के पहला तुसी साड़ियां जिहड़ियां संगत उन्होंने व्यूअर्स नूं जरूर दसो, क्योंकि तुहाडी जुबानी असी सुनना चाहते हैं। जी, मैं संगत में करीब करीब मैं समझदा भी हूँ कोई लुका नहीं रहा। जी समझदार ते धार्मिक विचारधारा नूं जानने वाला हर सिख इस गल का सेक उस नूं पहुंचया है और वो इसकी डीप पहुंच तक गया है। जी सब तो बड़ा दुखांत साड़ी कौम विच इस वेले वापर रहा है कि धर्म सिद्धांत, धर्म वैल्यूज, धर्म शक्ति जिहड़ी आजादी, आत्मक आजादी का प्रतीक है, जी मनुखी आजादी का प्रतीक है, वो शक्तियां असी ते स्थान ते सिद्धांत असी सियासत के अधीन कर चुके हैं, जाने अणजाने कर चुके हैं। कभी 50 साल पहला जदों ये चीज़ पैदा हुई सी उदों लोगों ने समझा सी भी खरे साडे कुछ लीडर ऐसे आउणगे जिहड़े साडियां बौड़ी करनगे, साडियां धार्मिक राजनीतिक लोड़ां पूरियां होणगियां, असी आज़ादी का सुख मानांगे। लेकिन होया सब कुछ उल्ट। जी जदों उन्हां नूं अगे लाया सी इस लई कि वो साडे लई कुछ करनगे, उन्होंने वो सारा कुछ अपने निज लई वरतना शुरू। हुण राजनीति उन्हां दा जाती एक जिवें कहिंदे ने विरसा हो गया। इहदा की सोल्यूशन की है, कोई और दे इस सकदा? लई वो जिहड़ी चीज जाती हो जाए जी उन्होंने मनुख हर हालत विच उनका पहरा देता है। ठीक हुण उन्हां दी राजनीति शक्ति हो गई है जाती, धर्म उनकी वरतों का एक हथियार रह गया, पर आ गया उन्होंने हाथ। इसलिए हुण वो धार्मिक किस्म की हर एक वैल्यूज, भावें वो जथेदार है उत्थों का, उनकी शक्ति को कितने वरतना चाहन वरतन, भावें अकाल तख्त के नाम की दुरवरतों कर, भावें उत्थों के अरबा रुपए के बजट की दुरवरतों कर, भावें उत्थों दियां स्टेज दियां जिहड़ियां शक्तियां ने उनकी गलत प्रचार लई वरतों कर, वो केवल हर एक चीज़ को अपनी राजनीति के पहरे लिए वरतना चाहते हैं। जदों तुसी अकाल तख्त साहब दे जथेदार सन, क्या ये उस वेले सारियां चीजां नहीं होंदियां सी? और यो कारण है अच्छा कि मैं उस गल को प्रवान नहीं किया। एक तो मैं इन्हों का मुलाजिम नहीं सी, गल मैं स्पष्ट कौम के सामने करना चाहना जी कि मेरा इन्हों के नाल ना बनाना स्वच्छ होकर निकलने का कारण यह सी कि मैं इन्हों का मुलाजिम नहीं रहा। मैं पहले दिन इन्होंने कहता सी कि मैं तुहाडा नौकरी पिछा मुलाजम नहीं रहना, क्योंकि जिहड़ा आदमी नौकर हो जाता है उनके कोल सच नहीं रहिंदा, वो बुलाया बोलता है, किराया कुछ करता है। मेरे 3.5 साल 4 साल के सेवा काल की एक भी कोई रसीद, कोई एक वाउचर दिखा देन मेरी तनख्वाह का, श्रोमणी कमेटी चैलेंज है, मैंने कोई तनख्वाह नहीं ली, सेवा की थी। और यो कारण है मैनू पकड़ नहीं सी, जिस दिन उदों भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के अदब का मसला आ गया सी। इको एक तुहानू इन्हां दी हिस्ट्री ताज़ी हिस्ट्री तो मिलेगा, जिस आदमी ने आप खुद रिजाइन किया, मैं ये जी थान ते जिथे गुरु का अदब भी मैं नहीं रख सकता तो, और ये लोग गुरु का अदब नहीं करते, मैं ऐसी थान ते कोई सेवा करने लई ते उस जिम्मेवारी लैण लई तैयार नहीं। आप रिजाइन किया, 3 महीने तक ये मेरा रिजाइन मंजूर नहीं कर सके, और इन्ना प्रेशर से इन्हां ते 3 महीने बाद भी इन्हों एक उसी ओही सियासी इलैक्शन जितने लिए इन्हों व्यक्ति की लोड़ सी, ते 3 महीने बाद इन्होंने वो मेरा रिजाइन मंजूर किया। मैं आप खुद रिजाइन करके इन्हों को आया, और इन्हों कारण करके आया कि उत्थे हालात देखे भी जे राजनीतिक लोग ने इन्हों तो धर्म को अपनी मुठ्ठी का माल बनाया हुआ, हूँ भी उ वरत रहा। जे हूँ जोड़ा इशू है सी, जे हूँ इस इशू पर आईए, जिहड़ा दसम ग्रंथ का जिहड़ा इशू सीगा, असीं उहदे विच नहीं जावांगे कि सही है गलत, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच दे असीं भी पहरेदार हाँ, मीडिया विच हैगे हाँ, लेकिन क्या ये सारा जिहड़ा इशू है ये मीडिया के जरिए या फिर जरूरी सीगा कि संगत के सामने सॉल्व किया जाता? इस तरह नहीं हो सकता सी कोई ये बारे कमेटी बनाई जाती या कोई विद्वान लोग आपस दे विच सारे बैठ के फिर एक इशू नूं इहनूं रिजॉल्व करन दी कोशिश की जाती? और यो कोशिश करन दे विच ही असीं कई साल बिताए। इन्हों कहते रहे कि तुम मेरे को ऐसे बड़े सबूत ने, चिट्ठिया ऐसा जड़ियाँ थले इन्हों बार बार भेजी गई कि एक ऐसा मसला है जोड़ा कौम लिए आने का भविख तबाह करने वाला है।
इस ग्रंथ विच ऐसियां रचनावां ने, अश्लील रचनावां ने, जिहड़ियां दो भरा इकट्ठे बैठ के नहीं पढ़ सकते। मैं तुहाडे ते छड्डना, मैं इन्हां लोगों नूं कहना, मैं कहना तुसीं आओ स्टेज ते इहदी कथा करके विखाओ। जदों इन्हां ने सुनवाई नहीं की, उल्टा मैनू जबान बंद करने लिए बार बार मजबूर किया जाता रहा। आखिर नूं मैं अपना फर्ज समझदा होया वो चीज़ संगत विच लै के गया। उत्थे मेरे माड़े चंगे कहण दा कोई मसला ही नहीं। मैं तो इसलिए जिहड़ा पैंफलेट भी छापिया है उहदे उत्ते एक लफ्ज़ लिखे ने, हैडिंग है पढ़ो ते पछाणो, भलिओ मेरे आखे ना लगो, मेरा मेरी मर्जी ना समझो, तुसीं आप पढ़ के पछाण लो। हुण भी मैं संगत नूं सद्दा देना, ईवन संगत सिख संगत तक ते रह गई, मैं संसार भर के चंगे सभ्याचार ते चंगे कल्चर वाले लोगों सारियां नूं सद्दा देना कि इहनूं पढ़ लो ते पढ़ के फैसला करो कि इहो जिहा कल्चर ते इहो जी सभ्यता पैदा करन वाला ग्रंथ जिहड़ा है वह किसी थां ते गुरु रूप में बिठाया जा सकता जां मान्यता मिल सकती। तो मैं जिम्मेवार हूँ, पर इहदे नाल भी मसला ते किते सुलझदा नज़र नहीं आ रहा, सगों होर ज़्यादा उलझ गया। हाँ, इसे भी उलझे ना जी, क्योंकि साड़ी राजनीति दे तहत असी अपना धर्म दे साडे धार्मिक मसले भी अज एक ये नहीं अनेक उलझ रहे हैं तुहाडे सामने। नानकशाही कैलेंडर एक धार्मिक मसला नहीं साडा, वो क्यों उलझिया? उहदे नाल तो मेरा कोई इस तरह का मैथ नहीं बनाया सी, 7 साल पहला आप ही इन्होंने बनाया, अकाल तख्त तो ही उसे तो इन्होंने जारी किया, 7 साल बाद आप ही उसे खत्म कर दिता, अज फिर टकरा हुआ है, वो मसला कितने ले जाओगे? मेरा कहना मतलब ये सारा कुछ होता लिया राजनीति लिए, एको एक पिछे खड़ी है RSS या BJP जी, जिन्होंने जरा नानकशाही कैलेंडर नहीं चाहिए, वो भी कहते नहीं चाहिए। लेकिन जो विशा चलाया मैं बारे कह रहा। साड़ी गलबात प्रोफेसर दर्शन सिंह जी अगले हफ्ते इसे तरह जारी रहेगी।